हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नकली स्वर्ण आभूषण दिखाकर महिला से की ठगी। 70,000 की नकदी व 4 लाख के ठगे आभूषण। रिपोर्ट लिखाने को भटक रही पीड़ित महिला। रीको व शहर थाना घटनास्थल को बता रहे क्षेत्र अधिकार से बाहर। अपना घर कॉलोनी में घी बेचने के बहाने घर में घुसे 3 महिलाओं ने एक महिला को ठगी का शिकार बना लिया। असली सोना आभूषण दिखाकर नकली आभूषण पकड़ा दिए। साथ ही 70,000 की नकदी व 4 लाख के आभूषण लेकर चंपत हो गई। पीड़िता रिपोर्ट लिखवाने को रीको व शहर थाने के बीच भटक रही है। दोनों ही थाना घटनास्थल को उनके क्षेत्र अधिकार से बाहर होने का हवाला दे रहे हैं। ऐसे में ठगी का शिकार महिला मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो चली है। अपना घर कॉलोनी निवासी अनीता ने बताया कि गत 6 अगस्त को दिन में करीब 12 बजे 3 महिलाएं घी बेचने के लिए आई। उसने घी खरीदने के लिए महिलाओं को घर पर बुलाया। तीनों महिलाओं ने अपने आप को गुजरात के भुज क्षेत्र का होना बताया। साथ ही गुजरात के चित्रासनी के पास डेरा लगा होने की बात कही। साथ ही अपने साथ लाए स्वर्ण आभूषण उन्हें दिखाए, कुछ खाने को दिया। इसके बाद तीनों महिलाओं ने उन्हें नकली आभूषण थमा दिए। साथ ही 70,000 की नकदी, मंगल सूत्र समेत 4 लाख के आभूषण लेकर चंपत हो गई। रिपोर्ट लिखाने को भटकती रही पीड़िता। पीड़िता ने बताया कि वह रिपोर्ट लिखाने के लिए शहर थाने गई, जिस पर पुलिस पहुंची भी, मौका निरीक्षण किया, लेकिन उन्होंने घटनास्थल थाना क्षेत्र से बाहर रीको क्षेत्र का होना बताया। इस पर वह रीको थाना पहुंची, जहां उन्होंने पूरे घटना की जानकारी दी, लेकिन रीको थाना ने भी घटनास्थल को थाना क्षेत्र से बाहर होने का हवाला देते हुए टरका दिया। ऐसे में वह गत 3 दिन से शहर व रीको थाने के बीच चक्कर काटने को विवश है। किसी भी थाना अधिकारी की ओर से प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। आज शाम को रीको व शहर पुलिस ने पीड़िता से मामले की जानकारी ली। जागरूक टीवी संवाददाता से बात करते हुए आबरोड अपना घर कॉलोनी की पीड़िता अनीता, इन्होंने ये कहा। उन्होंने हमको प्रसाद दिया और वो हमको हमारे से 70,000 और हमारा गोल्ड लेके गई। और वो 3 लेडीज थी, वो बोल रही थी हम कच्छ भुज से आते हैं, गाय भैंसे चढ़ाते चढ़ाते, और वो बोल रही थी हम चित्तासणी में अभी हमारा डेरा है, 300-400 ऐसे कुछ गाय हैं भैंसे हैं हमारे पास में, हमको कोई जैसे गौशाला से भी वहाँ से हमको मिलती है, हमको गाय भैंसे हम वो चढ़ाते हैं और घी बेचती है सर पे वो मटका रख कर। घड़ा प्रसाद दिया था हमने, वो प्रसाद खाया और उन्होंने हमको उसके वो बोल रही थी वो कुछ गिन्नियाँ थी सिक्के वो दिए, और उन्होंने फिर हमको है ना बोला कि हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, हमारे घर में कोई नहीं था, और उसके बाद में है ना उन्होंने वो 70,000 देकर और गोल्ड लेकर हमारा और वो चले गए। तो नकली होगा? हाँ वो नकली है। फिर आपने पुलिस में रिपोर्ट दी? पुलिस में रिपोर्ट दी दोनों सिटीजन थाने में, रिको थाने में। उन्होंने कहा इधर नहीं आता, इधर नहीं आता ये एरिया, तो हमारी सुनवाई नहीं हुई है। जागरूक टीवी के आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।